ये है 100 की तरफ से रेस बैडमिंटन शू। जिनको नहीं पता, 100 एक न्यूली लॉन्च बैडमिंटन कंपनी है जो बैडमिंटन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बना रही है। एंड रिसेंटली इन्होंने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप को भी स्पॉन्सर किया था। सबसे पहले शूज़ की प्राइस की बात करें तो एक काम करते हैं, इस शू को हम कुछ बैडमिंटन प्लेयर के पास ले जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लगता है शू का प्राइस। अंगल, आपका नाम? जितेंद्र लालवानी। हाँ, ये शूज़ का देख के आपको इसकी क्वालिटी एंड प्राइस के हिसाब से क्या लगता है? आई थिंक 2500 के आसपास होगा। मैं पूनम चंदाकर, 2500 के आसपास तो लग ही रहे हैं। सुनील सिंह, 1200। मैं डॉक्टर सरोज घृत लहरे हूँ, 2500 के आसपास। शालिग्राम साहब, 2 से 2500 के आसपास। सहद सेन, मे बी 2000। वारुनिश, 1000 के अराउंड। कुणाल साहू, 2K। मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है, 5 to 6000। तुषार कृष्णानी, 2000। भावेश चंद्राकर, 1300 से 1500 के आसपास। वंश जिंदल, 8000। जिनेंद्र जैन, 2400। केशव, 800 अराउंड। साहिल कुकरेजा, 2000। पार्थ, 2000 के आसपास। वैसे शू का MRP है 2590 रुपीज, लेकिन जैसे कि आपने सुना ये आपको 1500 रुपीज के अराउंड देखने को मिल जाता है। वैसे मेरे ओपिनियन में जिस प्राइस पॉइंट में ये मिल रहा है उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी एंड कुशनिंग काफी बढ़िया है। वैसे मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको शू का पूरा स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूं। तो इसके आउटर सोल से स्टार्ट करते हैं तो आपको नॉन मार्किंग रबर सोल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, जिसके ऊपर आपको 100 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे लिखा है एक्टिव ग्रिप, जो प्रोवाइड करता है सॉफ्ट एंड स्टिकी इसका आउटर सोल। वैसे जब आप इसके आउटर सोल को छूओगे तो आपको थोड़ा सा स्टिकी फील भी होता है। एंड ये बैडमिंटन कोर्ट के लिए एकदम परफेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो काफी ज्यादा इसका जो ग्रिप है काफी बढ़िया है। वैसे मैं बैडमिंटन कोर्ट में आपको खेल के भी बताऊंगा। एंड बैडमिंटन कोर्ट के अलावा आप इसे टेबल टेनिस, वॉलीबॉल एंड स्क्वॉश एंड अदर इंडोर स्पोर्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। कलर की बात करें तो आपको 5 कलर में देखने को मिल जाएगा, जो कि है ब्लैक गोल्ड, व्हाइट नेवी, रेड व्हाइट, नेवी लाइम एंड ब्लू व्हाइट। एक चीज और गौर करने की बात यह है कि इस प्राइस पॉइंट में जितने भी शूज आते हैं उसके जो आउटर सोल है मेनली आपको ब्राउन कलर के देखने को मिलेगा, लेकिन जो 100 का शू है इसमें आपको काफी सारे डिफरेंट कलर के आउटर सोल देखने को मिल जाते हैं। एक अच्छी बात इस शू की क्या है आपको पता है? ये शूज मैन्युफैक्चर हुआ है इंडिया में, सो वी कैन प्राउडली से दीज आर मेड इन इंडिया शूज। शू के मिडसोल की बात करें तो इस पूरे एरिया को कहते हैं मिडसोल, एंड ये बेसिकली 3 चीजों से बना है इस शू में। सबसे पहले एक्स कुशन, जैसे कि आप देख सकते हो इसके यहाँ मिडसोल में लिखा भी हुआ है एक्स कुशन, एंड आप इसके आउटर सोल से भी देख सकते हो आपको ये जो ऑरेंज कलर का है वो आपको देखने को मिल जाएगा इसका एक्स कुशन, जो बेसिकली प्रोवाइड करता है कुशनिंग जब आप बैडमिंटन खेलते हो। दूसरी चीज है इसके मिडसोल में यहाँ सेंटर में आपको हेक्साफॉर्म प्लेट देखने को मिल जाएगा, जो शू को बीच से बैंड होने से बचाता है। अगर शू फ्रंट से बैंड हो रहा है तो वो अच्छी बात है क्योंकि काफी सारे मूवमेंट में हेल्प होता है, लेकिन शू बीच से बैंड नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा चीज है वो है जो मटेरियल यूज हुआ है इसके मिडसोल को बनाने के लिए, वो है फाइलॉन। क्योंकि अपर पार्ट की बात करें तो जो मटेरियल यूज हुआ है इसके अपर पार्ट को बनाने के लिए वो है पीयू लेदर प्लस मैश। साथ ही साथ इसके आपको फ्रंट में एंड साइड में पूरा पीयू लेदर देखने को मिलेगा, एंड शू के इधर टॉप साइड में आपको मैश देखने को मिल जाएगा, जो एज अ वेंटिलेशन का भी काम करता है, माने अंदर की गर्मी को निकालता है बाहर जब आप बैडमिंटन खेलते हो। इससे क्या होता है कि जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, एंड आपको साइड में भी यहाँ छोटे छोटे होल्स 2-3 देखने को मिल जाते हैं, ये भी एज अ वेंटिलेशन का काम करते हैं। शू के एक साइड में आपको 100 का बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाता है, एंड उसके ऊपर मल्टीपल लाइन एज अ पैटर्न बनी हुई है। एंड ये हमारा शू का ले जिसकी क्वालिटी मुझे ठीक लगी। शू के टंग की बात करें तो इसके ऊपर आपको 100 का लोगो एंड नीचे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। टंग की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है। टंग के पीछे आपको यहाँ लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके नीचे लिखा है रेज, जो कि शू का मॉडल नेम है, और उसके नीचे लिखा है साइज, जो कि UK 6 है। साथ ही साथ साइज अवेलेबिलिटी की बात करें तो UK 1 to UK 12 देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारा शू का काउंटर जो कि काफी सॉलिड है, जो कि एक अच्छी बात है, जो हमारे एंकल को प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी। एंड इसके काउंटर में आपको 100 का लोगो एंड नीचे ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। एंड कॉलर की बात करें तो काफी अच्छी क्वालिटी का हमें कॉलर भी देखने को मिलता है, काफी सॉफ्ट है। जब आप इसे पहनते हो तो आपके एंकल साइड में भी काफी आपको कुशनिंग फील होती है। शू के इंसोल को निकालते हैं बाहर, एंड ये आपको काफी थिक देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड इसकी क्वालिटी भी मुझे काफी बढ़िया लगी। ये काफी ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, काफी ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आपको मीडियम सॉफ्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ कुछ छोटे छोटे डॉटेड पैटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं शूज के अंदर। यहाँ आपको 100 का ब्रांडिंग एंड लोगो देखने को मिल जाता है इसके इंसोल में। तो चलिए हम इस शू को पहन के खेल लेते हैं, हमारा क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ।
शूज को पहन के देख लिया और मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मूवमेंट की बात करूँ तो आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा जब आप बैडमिंटन खेलोगे, साथ ही साथ इसकी ग्रिपिंग भी बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलेगी कोर्ट में। एंड लुक वाइज की बात करें तो पर्सनली मुझे काफी बढ़िया लगा इसका लुक वाइज एंड क्वालिटी भी, एंड जिस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है उससे मच बेटर आपको इसका लुक एंड क्वालिटी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल वेट ऑफ द शूज की बात कर ले तो ये आपको 310 से 320 ग्राम के अराउंड देखने को मिलेगा, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया है। एक और एक्सपीरियंस है शू को लेकर, एंड एक्चुअली ये शूज को मेरे पापा भी पहन रहे हैं एंड वो ऑल्सो बैडमिंटन नहीं खेलते लेकिन वॉकिंग एंड रनिंग के लिए जाते हैं, सो वो इस्तेमाल कर रहे ये शूज को। सो वो शू के बारे में बताया, वो बोले कि पहनने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है एंड इसका कुशन भी उनको काफी अच्छा लगा। जाते जाते शूज के बॉक्स की भी बात कर लेते हैं तो आपको ऐसा टाइप का कुछ बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको 100 का लोगो देखने को मिल जाएगा, नीचे ब्रांडिंग एंड इस साइड में लिखा है लीव 100% जो इनका टैग लाइन है। इस साइड आपको शूज के कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड यहाँ एक चीज और, यहाँ जेंडर लिखा है यूनिसेक्स, माने ये शूज कोई भी पहन सकता है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रिव्यू किया 100 का रेस बैडमिंटन शू, एंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।